हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें सीजी टेक चैनल को और बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपके वीडियो की जानकारी मिले। दोस्तों सीजी टेक में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपेंद्र कुमार और ये है एनीकास्ट M4 प्लस। ये डिवाइस आपके नॉर्मल LED LCD टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करेगा। ये आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन पे ले सकते हैं। इसकी प्राइस मुझे पड़ा है ऑफलाइन पे 500 रुपये। आप ऑनलाइन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस डिवाइस में इनबिल्ट वाईफाई ऑप्शन है तो आप अपने स्मार्ट मोबाइल को नॉर्मल टीवी पर प्ले कर सकते हैं। ये बॉक्स के ऊपर आपको बताया गया है कि आप अपने मोबाइल को नॉर्मल टीवी पर कैसे कनेक्ट करेंगे और ये पावर्ड बाय है मीरा स्क्रीन। रैम इसका 128 MB है, 1.2 GHz प्रोसेसिंग है और बॉक्स के लेफ्ट साइड में शेयरिंग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऑन योर टीवी लिखा हुआ है। बॉक्स को मैं नॉर्मली ओपन कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पर ओपन कर लिया और बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ हाइलाइट्स फीचर्स के बारे में भी बताया है कि किस टाइप से आप अपने एनीकास्ट को टीवी पर कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्लग एंड प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है किस टाइप से आपको कनेक्ट करना है। और चलिए मैं जल्दी से डिवाइस को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये है डिवाइस आपका एनीकास्ट। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इस टाइप से आप ओपन कर लेंगे और ये देखिए ये डिवाइस है। डिवाइस के ऊपर एनीकास्ट लोगो बना हुआ है। राइट साइड में HDMI पोर्ट है और आपका बैक साइड में कुछ होल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई स्पीकर लगा होगा जो आपको बीप साउंड के थ्रू इंडिकेट करेगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो USB टाइप बी पोर्ट दिया है जो आपके एनीकास्ट को पावर सप्लाई देगा। और आपका यहाँ पर रीसेट का बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे आपका एनीकास्ट रीसेट हो जाएगा। और यहाँ पर एक लाइट इंडिकेट ऑप्शन दिया हुआ है जो आपके एनीकास्ट को जैसे ही पावर मिलेगा ये लाइट जलने लग जाएगा और रीसेट करेंगे तो ये लाइट इंडिकेट करेगा आपको। और इसको मैं साइड में रख देता हूँ और इसके साथ में क्या क्या दिया है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक यूज़र मैनुअल है, इसको आप देखकर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको समझना आए तो किस टाइप से आपको कनेक्ट करना है, कहां पर कौन सा पिन लगाना है। ये पूरा डिटेल आपको इस यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है तो इसको मैं साइड में रख देता हूं। ये मैं साइड में रख देता हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं इसके साथ में क्या क्या दिया हुआ है। और इसके साथ में ये एक केबल है जो वाईफाई सिग्नल शेयर करेगा आपके मोबाइल तक, ये वाईफाई सिग्नल पहुँचाएगा। और ये आपका एक साइड दिया हुआ है USB टाइप बी पोर्ट, ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है आपका एनीकास्ट डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएगा और आपके एनीकास्ट को पावर सप्लाई इसी के थ्रू मिलेगा। तो इसके दूसरे हिस्से पर क्या दिया है, USB का ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला। ये आप अपने टीवी पर भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास चार्जर है तो आप डायरेक्ट चार्जर पर भी इसको लगा सकते हैं। इस USB पोर्ट को जैसे ही आप अपने टीवी या फिर चार्जर पर कनेक्ट करेंगे तो आपके एनीकास्ट डिवाइस पर पावर सप्लाई चला जाएगा। और ये आपका वाईफाई सिग्नल है, इसको आपको कहीं पर भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस केबल के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट है। ये हिस्सा जो है आपका एनीकास्ट पर कनेक्ट हो जाएगा और इसमें आपका दोनों सिग्नल, वाईफाई सिग्नल और आपका USB दोनों उसमें कनेक्ट हैं। आपको मैं लगाकर दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से ये लगेगा, ये इस टाइप से लग जाएगा, इसमें एनीकास्ट डिवाइस पर इस टाइप से लग जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है आपका TV पर लगेगा। तो चलिए मैं आपको TV पर लगाकर दिखा देता हूँ किस टाइप से लगेगा। ये मैं टीवी के बैक साइड पे आ गया हूँ और यहाँ पर ये HDMI पोर्ट का दो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे टीवी पर। तो यहाँ पर मैं वन पे इसको एनीकास्ट डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये इस टाइप से यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनीकास्ट पर एक लाइट इंडिकेट दिया हुआ है वहाँ पर तब तक लाइट नहीं जलेगा जब तक आप USB पोर्ट के थ्रू इसको पावर सप्लाई नहीं देंगे। तो इसके USB पोर्ट को मैं TV के USB वाले ऑप्शन पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वाला USB को मैं यहाँ पर एक USB का ऑप्शन है उसमें लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर एक लाइट जलने लगेगा, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइट इंडिकेट कर रही है, मतलब एनीकास्ट डिवाइस को पावर सप्लाई मिल गया है। और ये जो वाईफाई जो सिग्नल शेयरिंग करने वाला जो ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, लटका कर रख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। तो चलिए उसके बाद मैं TV को ऑन कर लेता हूँ।
यहाँ पर आप अपने टीवी पर आ जाएंगे और टीवी ऑन कर लेंगे और HDMI पोर्ट का जो ऑप्शन होगा, अगर आप मेनू से करेंगे तो मेनू से चल देंगे, मेरे में रिमोट पर दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर HDMI पोर्ट का ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर एनीकास्ट का पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर SSID वेट करने के लिए बोल रहा है, PSK आपका जो पासवर्ड कोड है वाईफाई का। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल पर जाएंगे और अपने मोबाइल पर वाईफाई सर्च करेंगे। देखिए एनीकास्ट का ऑप्शन दिखा रहा है और यहाँ पर PSK जो है वो पासवर्ड आप अपने मोबाइल पर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं PSK का जो पासवर्ड दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं दिखा देता हूँ टीवी पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए आप टीवी के जस्ट ऊपर में एक PSK ऑप्शन दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा मोबाइल पर और इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो आपका जो एनीकास्ट डिवाइस है आपके मोबाइल पर कनेक्ट हो गया। उसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाना है। फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर 192.168.203.1 यहाँ पर आप ये ऑप्शन को सर्च करेंगे। इसके लिए कोई इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, ये बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 192.168.203.1 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र पर सिंपली ये टाइप करेंगे, उसके बाद एक एनीकास्ट का एक मेनू इस टाइप से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स करने हैं। तो जैसे डिफ़ॉल्ट मोड लिखा हुआ है एयरप्ले, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड को आप चेंज कर लेंगे। ये मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एयर प्ले करके लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट मोड पे। यहाँ पर आप इसको मीरा कास्ट कर देंगे, तो ये मैं मीरा कास्ट का ऑप्शन को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉट वाईफाई कनेक्ट मीन्स अभी जो आपका एनीकास्ट डिवाइस है वो किसी इंटरनेट से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अपग्रेड करने के ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि फेल टू कनेक्शन, मतलब इसको अभी किसी इंटरनेट से कनेक्शन नहीं किया हुआ है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर साइड पर आ जाएंगे, तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है सबसे ऊपर पर, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ऑप्शन पर क्लिक ही आपका जो एनीकास्ट डिवाइस है नज़दीकी वाईफाई, जो जहां पर वाईफाई इसको मिलेगा नज़दीकी कोई भी डिवाइस पर वाईफाई ओपन रहेगा वो इसको यहां पर डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद उसका जो पासवर्ड है वो पूछेगा और उसके थ्रू आपका एनीकास्ट डिवाइस जो है इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपका रीबूट कर देना है। रीबूट करेंगे या फिर बैक करेंगे तो ये जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगा। सेटिंग सेव होने के बाद आप बैक का ऑप्शन यूज़ करके आप बाहर निकल सकते हैं या फिर रीबूट करके भी आप बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आप अपने यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो लिस्ट में अगर आपका एनीकास्ट, मीराकास्ट या मिरर प्ले का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है मीराकास्ट। मेरा मोबाइल J7 सैमसंग J7 है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं एक ऐप डाउनलोड किया हूँ प्ले स्टोर से मीराकास्ट करके। आप भी अगर आपके में भी ऑप्शन नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप कनेक्ट का ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एनीकास्ट का दिखा रहा है व्यू में, तो ये आप यहाँ पर सिंपली इसको कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने मोबाइल पर ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो टीवी के स्क्रीन पर डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। ये मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं अपने मोबाइल पर कोई भी मूवमेंट करता हूँ, ये आप अपने डायरेक्ट टीवी पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई वीडियो सॉन्ग वगैरह प्ले करेंगे तो उसका आवाज़ भी आपका टीवी पर सुनाई देगा और इसमें आप इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिवाइस है एनीकास्ट डिवाइस है ये जियो टीवी को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपके मोबाइल पर जियो टीवी ऐप है और आप उसमें कोई भी वीडियो वगैरह टीवी पर शेयरिंग करके चलाना चाहेंगे तो वहाँ पर जो आपका टीवी का जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाता है। बाकी उसके अलावा आप यूट्यूब वगैरह हो गया और अपने गैलरी वगैरह का वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह सब प्ले कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गैलरी में जाकर आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, कोई भी नॉर्मल वीडियो, और आपको दिखाता हूँ कि
उसका जो डिस्प्ले है आपका टीवी में फुल स्क्रीन पर आप उसको चला सकते हैं। तो ये मैं कोई भी वीडियो वगैरह गैलरी से ओपन कर लेता हूँ और आपको टीवी पर प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं इसको प्ले कर दिया, देखिए यहाँ पर टीवी के फुल स्क्रीन पे ये वीडियो प्ले हो रहा है और इसकी जो आवाज़ है वो भी टीवी पर ही आ रही है। मेरे मोबाइल पर डिस्प्ले भी बंद है और आवाज़ भी बंद है, लेकिन कंट्रोल मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पर पुश कर रहा हूँ तो ये वीडियो भी पुश हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने मोबाइल को टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से वीडियो वगैरह, यूट्यूब वगैरह सब अपने टीवी पर चला सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की जानकारी मिले। धन्यवाद।